नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। राजस्थान कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी विवाद को सुलझाने में कांग्रेस जुट गई है, लेकिन विवाद सुलझाने की बजाय और उलझता ही जा रहा है। एक ओर मुख्यमंत्री गहलोत झुकने को तैयार नहीं है तो दूसरी ओर पायलट गुट का कहना है कि अब फैसला होना ही चाहिए। ऐसे में अब एक एक करके कांग्रेस विधायकों को बुलाकर उनकी राय ले रही है। बता दें पंजाब कांग्रेस में भी नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच विवाद सुलझने के बाद अब राजस्थान कांग्रेस का विवाद सुलझाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन और कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल को जयपुर भेजा गया था। ये दोनों गए तो थे विवाद सुलझाने के लिए, लेकिन विवाद और बढ़ गया। पायलट गुट के विधायक वेद प्रकाश सिंह सोलंकी का कहना है कि इस बार पूरा इलाज होगा क्योंकि आलाकमान उनकी सुन रहा है। तो वहीं रफीफ खान जैसे गहलोत गुट के विधायक मुख्यमंत्री की पैरवी कर रहे हैं। दोनों गुट के दावों के बीच अब कांग्रेस के एक एक विधायक को विधानसभा में बुलाया जा रहा है और उनसे पांच पांच सवाल पूछे जा रहे हैं। ट्विटर पर पीएम मोदी के 70 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। ऐसे में पीएम मोदी सोशल मीडिया पर फॉलो किए जाने वाले नेताओं की लिस्ट में एक बार फिर से टॉप पर पहुंच गए हैं। 70 मिलियन फॉलोअर्स होने के से साफ पता चलता है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता ट्विटर पर लगातार बढ़ती ही जा रही है। हालांकि पीएम मोदी से पहले ये रिकॉर्ड अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम था। बता दें कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निजी अकाउंट को करीब 88.7 मिलियन यानी कि 8.87 करोड़ लोग फॉलो कर रहे थे। उस वक्त दुनिया के सक्रिय नेताओं की लिस्ट में पीएम मोदी का नाम दूसरे नंबर पर था। उस वक्त पीएम मोदी के 64 मिलियन यानी कि 6.47 करोड़ फॉलोअर्स के साथ वो दूसरे नंबर पे थे, लेकिन अब पीएम मोदी के फॉलोअर्स बढ़कर 70 मिलियन यानी कि 7 करोड़ को पार चले गए हैं। बता दें कि पीएम मोदी साल 2020 में भी अगस्त महीने से लेकर अक्टूबर के बीच तक ट्विटर, यूट्यूब और गूगल सर्च के साथ ट्रेंडिंग चार्ट में टॉप पर रहे थे। उनकी बढ़ती लोकप्रियता ये इशारा करती है कि वो न सिर्फ भारत में बल्कि इंटरनेट की दुनिया में भी काफी लोकप्रिय हैं। वहीं बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता को बनाने की कवायद में जुटी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि क्षेत्रीय दलों में देश का नेतृत्व करने की क्षमता है और सभी क्षेत्रीय दल साथ आ जाएं तो बीजेपी पर भारी पड़ सकते हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने कहा कि रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए संसद सत्र के बाद सभी विपक्षी नेताओं की बैठक भी होगी। तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद के आवास पर पत्रकारों के साथ बातचीत ममता बनर्जी ने आने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्षी एकजुटता को लेकर भी जरूर बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी को हराने की रणनीति यूपी के नेताओं को बनानी होगी। ममता ने कहा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अगर अलग अलग हैं तो वो इसमें दखल दे सकती हैं। वहीं ममता ने सीपीएम को भी संदेश दिया है कि वो तय करे कि उनके दुश्मन तृणमूल है या बीजेपी। कांग्रेस को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि उनके गांधी परिवार से अच्छे रिश्ते हैं और आगे भी रहेंगे। हालांकि ममता बनर्जी ने माना कि बीजेपी काफी मजबूत है, लेकिन साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस बार विपक्ष बीजेपी से ज्यादा मजबूत रहेगा। वहीं ममता ने कहा कि अब देश भर में खेला होगा। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू कल चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंच गए हैं। सूत्रों के अनुसार आज वो पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से भी मुलाकात करेंगे। हालांकि उनकी मुलाकात को लेकर आलाकमान की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। बता दें पंजाब कांग्रेस प्रधान का पद संभालने के बाद सिद्धू की आलाकमान से पहली मुलाकात होगी। बुधवार को दिल्ली में उनकी पहली मुलाकात पार्टी के वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी से हुई थी। इससे पहले मंगलवार को सिद्धू ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात करते हुए
5 अहम मुद्दों को जल्द हल करने पर जोर दिया था। वहीं आलाकमान से मुलाकात के दौरान सिद्धू पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति के पुनर्गठन पर भी जल्द निर्णय लेने का आग्रह करेंगे। बता दें, समिति जनवरी 2020 में भंग कर दी गई थी और अब पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर केवल 6 महीने का समय ही रह गया है। ऐसे में पार्टी के मजबूत ढांचे की नवनियुक्त प्रधान को बहुत जरूरत है। इसीलिए इसके अलावा सिद्धू प्रदेश इकाई में फेरबदल के संकेत भी दे चुके हैं, जिन्हें लेकर माना जा रहा है कि वो हाईकमान से इस मुद्दे पर भी विचार विमर्श करेंगे। देश भर में बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में 29 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान पूर्वी भारत में भी भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर मध्य प्रदेश के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कमजोर हो गया है, लेकिन उससे जुड़ा चक्रवातीय सर्कुलेशन उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में लगातार बना हुआ है। एक और चक्रवातीय सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी से उत्तर में बना हुआ है और दोनों चक्रवाती सर्कुलेशन के प्रभाव से 29 जुलाई तक उत्तरी राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। बाद में इसकी तीव्रता कम हो जाएगी। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट के इलाकों में भी 3 दिनों से हो रही बारिश होने के बाद 29 जुलाई से इन इलाकों में बारिश की तीव्रता में वृद्धि होने का अनुमान भी है। दिल्ली विधानसभा सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। दरअसल पक्ष विपक्ष पूरी तरह से तैयार है और एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। सत्ता पक्ष ने जहां एमसीडी में भ्रष्टाचार, किसान आंदोलन और दिल्ली दंगों में वकीलों के पैनल को खारिज करने के मामले में केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करेगी, तो वहीं विपक्ष ने भी कथित डीसीसी घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, दिल्ली की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी ने तो दिल्ली विधानसभा का घेराव भी करने का ऐलान कर दिया है। आज से शुरू होने वाले 2 दिवसीय विधानसभा सत्र के दौरान सदन से सड़क तक दिल्ली के मुद्दे तक टकराव देखने को मिलेगा। साथ ही आने वाले एमसीडी चुनाव को लेकर भी आम आदमी पार्टी के विधायक बीजेपी शासित एमसीडी को भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप भी सदन में मढ़ेंगे। साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल को भी कई मुद्दों पर घेरा जाएगा। सदन में सत्ता पक्ष किसानों का मुद्दा भी उठाएगी और सदन को ये भी बताया जाएगा कि किस तरह से दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों को बिजली और पानी मुफ्त दे रखी है। वहीं बीजेपी शासित अन्य राज्यों में बिजली बिल को लेकर लोग परेशान हैं। वहीं मिशन 2022 की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बीते विधानसभा चुनाव से भी बड़ी जीत हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के सभी सांसदों को आशीर्वाद यात्रा निकालने और इसके तहत अपने संसदीय क्षेत्र के एक एक गांव तक पहुंचने का निर्देश दिया है। वहीं राज्य के ब्रज, पश्चिम और कानपुर क्षेत्र के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर 2017 में मिली जीत से भी बड़ी लकीर खींचनी है। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहे थे। बता दें, सांसदों को संबोधित करते हुए नड्डा ने यूपी विधानसभा चुनाव को बेहद अहम बताया और इस दौरान उन्होंने सांसदों को विपक्ष के दुष्प्रचार से सचेत रहने की हिदायत भी दी है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में राज्य में दशकों से जारी माफिया राज को खत्म किया है। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार पर भी गहरी चोट की है। उन्होंने कहा कि मुर्दा विहीन विपक्ष अब साजिश पर उतर आया है, संसद में चर्चा से भाग रहा है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम आज दोपहर 12 बजे घोषित किया जाएगा। बता दें, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश की ओर से ये जानकारी दी गई है। विद्यार्थी अपना परिणाम देखने के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mpbsc.nic.in पर जाकर
अपना परिणाम देख सकते हैं। वहीं परिणाम मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार द्वारा घोषित किए जाएंगे। बता दें, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपने बयान में कहा है कि हायर सेकेंडरी व्यवसायिक सर्टिफिकेट परीक्षा और हायर सेकेंडरी परीक्षा मूक बधिर श्रेणी 2021 का परिणाम आज यानी कि 29 जुलाई 2021 को दोपहर 12 बजे जारी कर दिया जाएगा। इस बार विद्यार्थी वेबसाइट के अलावा MPBSE और MP मोबाइल ऐप पर माई रिजल्ट सेक्शन में भी देख सकेंगे। इसके लिए छात्रों को मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी होगी। हालांकि बीते सप्ताह ही माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी किया था। 10वीं बोर्ड में इस साल 100% विद्यार्थी पास हुए हैं। बता दें, बोर्ड की तरफ से कोई मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं की गई है। साथ ही मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं परीक्षा के लिए 9 लाख से ज्यादा छात्रों ने पंजीकरण किया था, जिनमें से 9 लाख से ज्यादा और 25,000 विद्यार्थी पास हुए हैं। और इस बार 10वीं कक्षा में 3 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने फर्स्ट डिवीजन में स्थान भी हासिल किया है, जबकि 3 लाख से ज्यादा छात्रों ने सेकेंड डिवीजन में अपना स्थान बनाया। वहीं 1 लाख से ज्यादा छात्रों को थर्ड डिवीजन मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को उस ज्ञापन पर विचार करने का निर्देश दिया है, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग की लत से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का आग्रह किया गया है। इसके अलावा सरकार को ऑनलाइन और ऑफलाइन सहित दोनों गेमिंग सामग्री की निगरानी के लिए कमेटी के गठन पर विचार का निर्देश भी दिया है। बता दें, मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने कहा है कि संबंधित अथॉरिटी तय कानून नियमों विनियमों और सरकारी के अनुसार इस मुद्दे पर फैसला करें। साथ ही खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिए हैं कि NGO डिस्ट्रेस मैनेजमेंट कलेक्टिव द्वारा अधिवक्ता रॉबिन राजू और दीपा जोसेफ के माध्यम से दायर एक जनहित याचिका पर दिया है। दरअसल ये याचिका ऑनलाइन गेम के दुष्प्रभावों से संबंधित है। अधिवक्ता राजू ने पीठ के समकक्ष में तर्क दिया था कि युवा गेम की लत से समय पीड़ित है। ये खेल इतने तीव्र है कि ये आत्महत्या अपराध के झुकाव की ओर ले जा रहे हैं और इस प्रकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की जरूरत है। सरकार के पास स्थिति से निपटने के लिए कोई भी नीति नहीं है। ऐसे में सरकार को एक नियामक निकाय गठित करने का निर्देश दिया गया है। वहीं टोक्यो ओलंपिक में भारत का दूसरा पदक का इंतजार अभी भी जारी है। छठा दिन भी भारतीय एथलीट्स के लिए मिला जुला ही रहा। बैडमिंटन में PV सिंधु, मुक्केबाजी में पूजा रानी और तीरंदाजी में दीपिका कुमारी को छोड़कर कोई अन्य खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ सका और निराशा ही हुआ। हालांकि देश की उम्मीदें अभी भी कई खिलाड़ियों से बनी हुई हैं। वहीं 7वें दिन मैरीकॉम और PV सिंधु जैसे स्टार खिलाड़ियों पर नजर रहेगी। ऐसे में अब बता देते हैं कि पूरा शेड्यूल क्या है। बता दें, आज टोक्यो ओलंपिक का 7वां दिन है और आज के खेल की शुरुआत गोल्फर अनिबॉन लिहारी और उदय माने की तरफ से की जाएगी। वहीं भारतीय शटलर PV सिंधु का भी आज मैच होना है। उन्होंने अंतिम 16 के मुकाबले में डेनमार्क को मिया बिल्चेसफेल्ड को हरा दिया था। सिंधु अंतिम 8 में प्रवेश कर गई हैं। ऐसे में हॉकी में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला अर्जेंटीना से आज होना है। दोपहर 3:30 बजे के बाद रिंग में MC मैरीकॉम का दम भी दिखेगा। साथ ही 51 किलो कैटेगरी में मुकाबला, बता दें, कोलंबिया की इंग्रिड लॉरेन वेचिंकिया से किया जाएगा। तो बता दें, लगातार टोक्यो ओलंपिक्स में भारत लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में अब भारत को उम्मीदें ज्यादा हैं और भारत लगातार दूसरे मेडल का इंतजार कर रहा है। PV सिंधु मैरीकॉम से भारत को काफी उम्मीदें हैं और आज 7वें दिन PV सिंधु और मैरीकॉम मैदान में उतरेंगी। हालांकि पुरुष हॉकी टीम भी आज मैदान में उतरेगी। कल काफी निराशा हाथ लगी थी क्योंकि कल कोई भी इंडियन खिलाड़ी मैच में आगे नहीं बढ़ सका था, लेकिन इस बार फिर से बेटियों से उम्मीद ज्यादा है क्योंकि कई महिला खिलाड़ी हैं जो लगातार टोक्यो ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसे में मैरीकॉम और PV सिंधु से देश को काफी उम्मीदें हैं और उम्मीद लगाई जा रही है मैरीकॉम और सिंधु मेडल जीत कर ही भारत वापस लौटेंगी।
जालौन में बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त और लेखा अनुभाग में तैनात वरिष्ठ बाबू को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बीएससी कार्यालय में तैनात वित्त और लेखा के बाबू की तरफ से एक अध्यापक से एरियल निकलवाने के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी, जिसकी शिकायत अध्यापक ने एंटी करप्शन टीम से कर दी थी। और इस शिकायत के बाद ही एंटी करप्शन टीम ने बाबू को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वहीं उरई कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज करा लिया गया, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कार्यालय में मेरा 2 महीने का करियर वेतन पड़ा हुआ था, उसके एवज में इन्होंने हमसे जो है 15,000 रुपये की रजिस्ट्री की मांग की थी, तो 12,000 रुपये में ये तय हुआ। और इन्होंने हमसे कहा कि आज कुछ लाए हो तो दे जाइए, तो मैंने इन्हें 15,000 रुपये पिछले 15 दिन पहले दे दिया था, 2,000 रुपये मिल गया था पड़े। फिर इसके बाद मैंने कि व्यवस्था हो जाएगी तो मैं आके आपको दे दूँगा। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैं जो है मैंने इनसे कहा कि मैं आ रहा हूँ व्यवस्था करके, तो आज जो है इंटर तय हुआ था। तो इसकी शिकायत मैंने एंटी करप्शन टीम झांसी से शिकायत की थी, बाद में इनको रंगे हाथों पकड़वा दिया। विनय कुमार ये बाबू हैं, वरिष्ठ बाबू वित्त एवं लेखा अधिकारी कार्यालय। इनसे जुड़ा कोई मामला नहीं, इनका मामला सामने आया, इनसे संबंध में कार्रवाई एंटी करप्शन टीम द्वारा की गई है। सर क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई, जिसके संबंध में थाना कोतवाली का मुकदमा लिखा था, कार्रवाई की गई। वहीं मथुरा में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े आक्रोशित पत्रकारों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि मीडिया संस्थान और पत्रकारों पर आईटी की छापेमारी हो रही है और उसे रोका जाना चाहिए। अगर पत्रकार और मीडिया संस्थानों पर इसी तरह उत्पीड़न जारी रहा तो पत्रकार सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। वहीं राष्ट्रीय यूनियन जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन और ब्रज प्रेस क्लब आदि प्रमुख पत्रकार संगठनों से जुड़े प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें कहा गया है कि पत्रकारों पर हो रही कार्रवाई और छापेमारी की कार्रवाई रोकी जानी चाहिए। मथुरा के जिलाधिकारी के द्वारा हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, राज्यपाल महोदया को और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। इसमें जो देश भर में 2 प्रमुख संस्थान हैं मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के, भास्कर समूह और भारत समाचार चैनल, इन दोनों ग्रुपों पर आईटी छापे लगे हैं। वो उससे पत्रकारों को ऐसा लगा है, बुद्धिजीवियों को ऐसा लगा है, समाज के विपक्षी नहीं सभी को ऐसा लगा है जैसे सरकार चुनाव आने वाले हैं और सरकार जो है मीडिया को दबाना चाहती है, अपनी गिरफ्त में लेना चाहती है, जो सुर उसका हो उसे बुलवाना चाहती है। तो ऐसा ये संदेश गया है। मैं चाहता हूँ कि सरकारें इस पर, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रपति जी ध्यान देंगे ऐसी कार्यवाही, क्योंकि यूपी में चुनाव, कई राज्यों में चुनाव होने वाला है, ऐसी गतिविधियां आगे नहीं करेंगे। वहीं मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर एक साथ आजम खान की रिहाई के लिए मशाल जुलूस निकालकर एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा है और इसी के साथ आजम खान की रिहाई के लिए मांग भी की है। बता दें कांग्रेस नेता इमरान प्रताप गढ़ी आजम खान के घर पर जाने के बाद आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा से मिले थे, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी अब आजम खान की रिहाई की मांग कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिमों को रिझाने के लिए किया जा रहा है। तो बता दें लगातार आजम खान की रिहाई के लिए मांग की जा रही है। पिछले काफी समय से आजम खान जेल में बंद हैं और ऐसे में अब रिहाई के लिए मशाल जुलूस निकाला गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। दरअसल एक नेता ने
आजम खान की पत्नी से मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही लगातार ये मांग की जा रही है कि उन्हें रिहा किया जाए और इसीलिए इस मशाल जुलूस का आयोजन किया गया और इसमें लगातार नारेबाजी की गई और मांग की गई कि आजम खान को जल्द से जल्द रिहा करो। और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं ये रणनीति है जिस वजह से ये मशाल जुलूस निकाला गया है और ऐसे में मुस्लिमों को साधने की समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है। आज ये मशाल जुलूस निकाला जा रहा है जो मुरादाबाद में तमाम जन समस्याएं उनको लेकर ये मशाल जुलूस है और माननीय आजम खान की रिहाई के लिए ये मशाल जुलूस हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज रखा है, उसको हम गवर्नमेंट वाली से और वाली तक जाएंगे। वहीं पीलीभीत के जिला अस्पताल स्थित वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगवाने आए लोगों ने कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। वहीं वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ देखने को भी मिली, जहां लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। साथ ही बिना मास्क के खड़े लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, जहां एक और लोग कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो बता दें पीलीभीत का ये पूरा मामला है, वैक्सीनेशन सेंटर पर भारी संख्या में वैक्सीन लगवाने के लिए लोग पहुंचे थे और ऐसे में लोगों ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई और अपनी बारी का इंतजार कर रहे लोगों ने ना तो मास्क लगाया था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा था। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि वहां पर मौजूद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की भारी भीड़ मौजूद है वैक्सीनेशन सेंटर पर और ऐसे में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया। तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है बिना मास्क के लोग वहां घूम रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वैक्सीन लगवाने आए थे और 3 दिन से लौट रहे हैं और जो मतलब दबंग टाइप के आदमी जो आते हैं वैक्सीन लगवाते हैं और आधार पे लगवा के चले जाते हैं, हम लोगों की पर्ची जमा की जमा रह जाती है, फिर हम लोगों के वापस कर दिया जाता है। मतलब लाइन आप लगाए लेकिन आपको पहले लाइन लगाए थे, मतलब जब मैंने मैडम से कहा कि मैडम जी ये क्या कर रही हैं आप, तो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। वहीं हरिद्वार में जिला प्रशासन की ओर से दूसरे राज्यों के जिलों को गंगाजल भेजा जा रहा है। अब तक हरिद्वार से दिल्ली और हरियाणा के लिए गंगाजल के 4 टैंकर रवाना हो चुके हैं। जिला अधिकारी सी रविशंकर ने मेला नियंत्रण भवन से यमुनानगर जिले के लिए रवाना किए गए गंगाजल के टैंकर को हरी झंडी दिखाई। जिलाधिकारी ने कहा कि कांवड़ियों का हरिद्वार आना प्रतिबंधित है, लेकिन लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मांग के अनुसार ही गंगाजल भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ धार्मिक और सामाजिक संगठन भी गंगाजल भेजने में सहयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार कांवड़ मेला रद्द कर दिया गया है।
तो बता दें इस बार कांवड़ यात्रा पूरी तरह से रद्द कर दी गई है सभी राज्यों की तरफ से। उसके बाद ऐसे में अब लोगों की धार्मिक भावनाओं को देखते हुए हरिद्वार से गंगाजल के टैंकर तमाम राज्यों में भेजे जा रहे हैं ताकि श्रद्धालु अपने अपने राज्यों में गंगाजल लेकर जलाभिषेक कर सके, और ऐसे में दिल्ली और हरियाणा के लिए टैंकर जो है भेजे जा चुके हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।